बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा रामी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शादी रुक जाए, लेकिन अब अगर वो ही नहीं चाहती तो फिर मैं क्या कर सकता। तो तुम साफ मना कर दो। आप ही रामी नहीं आना। क्यों? मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। I hope you can understand, काफी ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, of course, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तुम लोग फिर निकलो। Sure. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. चलो इसे ले जाओ, जाओ बेटा। आइए ना, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए अंदर चलें। आइए। मैडम आप आगे आना पसंद करेंगी? मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आपका हस्बैंड हूँ। आराम से। अब खुश हो? अच्छा एक बात बताओ, भगा के ले जाऊं तुम्हें? अरे अल्लाह, खुश कर दिया तुमने तो आज रामीन। काश मैं तुम्हें भगा के लेके जा सकता, काश, लेकिन नहीं लेके जा सकता। बस बस बहुत हो गया, रामीन की थक गई होगी। आजा ले जाओ उसे कमरे में, अब जो करना है कल करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लोग रस्में कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ। रस्में? आजर तो कह रहा था कि तुम थक गई हो। क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? ये रस्में उसमें कुछ नहीं होती, बस शिजा को शौक होता है। पता नहीं कौन कौन सी दुनिया जहाँ की रस्मों की लिस्ट तैयार कर रखी है इसने। लेकिन अम्मी एटलीस्ट एक दो रस्में तो करने देना। नुसरत, शिजा तो पागल हो गई है, अगर इसकी बात मानी ना तो सुबह हो जाएगी। चलो दुल्हन को कमरे में लेके चलते हैं। आओ शिजा, रामीन को कमरे में ले जाते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। लग तो नहीं रहे। रामीन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी।
मैं सिर्फ यही चाहता था कि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम जिसकी कसम खाने को कहो कि मैं खाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इन सारी बातों में मैं भूल ही गया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लिखा। रामीन तुम ठीक हो? काम डाउन मेरी बात सुनो। रामीन तुम ठीक हो? काम डाउन रामीन, मैं कहीं और सोचा था। तुम काफी थकी भी लग रही हो, चेंज कर लेना। अरे मनाल, क्या जरूरत है इस सब की? और कौन करता है आजकल ये? मैं करती हूँ अम्मी, एक ही तो मेरी बहन है, उस तक भी नाश्ता ना पहुँचाऊँ। और वैसे भी मुझे अपने ससुराल वालों में भी दिखाना है कि हमारे यहाँ की रस्में क्या होती हैं। तो ये बोलो ना। 2-in-1 है अम्मी। अरे सॉरी, मैंने आपकी चाय नहीं पहुँचाई, मुझे पता नहीं था आप जाग गए। कोई बात नहीं। क्या बात है, ठीक से सोए? हाँ, मुझे सर दर्द की दवा ला दो। सर नहीं नहीं ठीक है, बस दवा ला। कब तक रहने का रहता आपका यहाँ पर? मैं अब यहीं रहूंगी सारी जिंदगी। आपसे किसने कहा आपको यहाँ रहने की इजाजत है? देखो मनाल, अपने मियाँ को भाई मेरे पीछे पड़ा है कि अब मैं वापस पिंडी नहीं जाऊं, बल्कि यहीं रहूं तुम लोगों के पास। ये तो कमाल हो जाएगा। पता है, आपने मेरे मुंह से मेरी बात छीन ली। आई एम सो लकी, अब आप और अमीन दोनों मेरे पास होंगे। बस तय हो गया, आप यहीं रहेंगे। अब आप पिंडी भी नहीं जाइएगा अपनी चीजें लेने। मैं ताया को कह दूंगी भिजवा दे, है ना? ठीक है। अच्छा जल्दी करें, जाना भी है नाश्ता लेकर। आज़र, तुम क्या रात कमरे से बाहर सोए थे? नहीं तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ पागल, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? जी वो मैं पानी लेने के लिए निकला था। हाँ तो कहाँ है? अभी तो निकला हूँ। अच्छा अच्छा जी। प्यारी लग रही है। मुझे समझ नहीं आता मैं इन सब चीजों के साथ कैसे कोप करूंगा। तुम्हारा यूं मुझसे दूर भागना, मुझसे शर्माते रहना, सारी जिंदगी इसी तरह तस्वीर बनी बैठी रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारा रोज इतना खूबसूरत लगना मेरी नर्व्स को आ रहा है। रामीन अभी मुझे बाहर जाना होगा,
घर में सौदा सर्फ लेकर आना, जॉब करूंगा। कहाँ जॉब ढूंढ रहे हो? और किसी बात पे जवाब नहीं दिया, नौकरी की बात है, खट से सवाल। एक दो जगह अप्लाई किया, जल्दी जवाब मिल जाए। कहाँ? तुम क्या चाहती हो, कहाँ करें? कहीं भी, बस यहाँ से दूर ले चलो। दुबई? दुबई में नवैया भाई के ऑफिस में एक पोजीशन खाली है, वहां के लिए अप्लाई कर सकते। नहीं दुबई नहीं, दुबई और कराची नहीं रहना मुझे, कहीं और ले चलो। रामीन मुझे वाकई अब ऐसा लगने लगा है कि कराची में तुम्हें कोई भूत नजर आ गया। वैसे मेरे घर वाले इतने बुरे नहीं। मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तुम सऊदीया में क्यों नहीं जॉब ढूंढते हो? तुम्हारे माँ बाप बहन भाई की खिदमत कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। रामीना मुझे वाकई ऐसा लगना शुरू हो गया कि कराची में तुम्हें कोई भूत नजर आ गया। मैंने देखा था, मैंने वाकई भूत देखा था। खूबसूरत कपड़े पहने किसी शहजादे का रूप धारे आसपास मेरे घूमता है, सबके सामने हंसता है, मुस्कुराता है, सबकी नजरों में अजमत की चोटी को छू रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कितना गलीज है। मुझे उससे बचा लो अंसर, मुझे उससे बचा लो। रामी तुम मेरे पास बिल्कुल महफूज हो, मैं कभी तुम्हारे पास किसी को नहीं आने दूंगा, तुम्हें सबसे महफूज रखूंगा अपने पास। मैं वादा करता हूँ जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ शेजा। भाभी कौन सा ड्रेस पहनेंगी? मैंने दोनों ही प्रेस कर दिए, ये वाला या ये वाला। तुमने प्रेस किए हैं मैडम या करवाए हैं? मैंने खुद किए, मेरी भाभी है, किसी और से क्यों करवाऊं? ये वाला पहने भाभी, मैं ये यहाँ रख देती हूँ, आप रेडी हो जाओ। थैंक यू शेजा। तो बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, कैसी हो आप? करने की आदत है, बस थोड़ा बस बाजार से ले आती। अरे बाजार से लाने की भी क्या जरूरत थी, आप लोग यहीं आ जाते, नाश्ता होता, यहीं बन जाता। अरे वो तो सारी जिंदगी होता रहेगा। अब आपने इसकी बहन को अपनी बहू बना लिया ना, ये यही नजर आएगी आपको। इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। मैंने तैयार किया है ना, तुम ना भी तैयार करती तो वो इतनी प्यारी। कैसे चल रहा है आपका सब? खाइए भाई। हम लोगों के यहाँ एक छोटी सी रस्म है। क्या रस्म है बताएं? शादी के दूसरे दिन मैके से नाश्ता आता है, लेकिन मर्द हजरात अलग नाश्ता करते हैं और खवातीन अलग नाश्ता करते हैं। इंटरेस्टिंग, ये रस्म तो मुझे पता ही नहीं थी। चले हर चीज को दो दो में निकालते हैं। आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? खाए ना। जी खाला जान, आप बताएं जब खालू ने आपको पहली बार देखा था तो क्या हुआ था? कैसी बातें कर रही हो, सब लोग बैठे हैं और मेरी बात तो नहीं बता सकती। तो क्या फर्क पड़ता है, बताएं ना। नहीं भाई, मुझे शर्म आती है। अरे नई नवेली दुल्हन बैठी है, कुछ तो ख्याल करो। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी भी छोटी नहीं है, वो सुन सकती है। अच्छा चलो फिर आप ही से सवाल कर लेते हैं। वैसे तुम्हें ये बात सोचनी कैसे? बस खाला जान आप बता दे, कोई बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। ओहो, जब कोई बात नहीं कर रहा तो तुम डायरेक्ट शूट मुझ पे करोगी? जी। छुट्टी बहुत तेज हो गई है। हाँ। वो पाकिस्तान में इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। रोजी भाई आप बताइए ना, पार्टीज ने हमारे मुल्क में काम किया है? यकीनन किया है, आप जरा बाहर की सिस्टम को देखिए। सारी रसोई मुझे आज की रस्म सबसे अच्छी लगी है, इतना खिलखिलाकर हंसे हम लोग। वाकई, वरना मियाओं के साथ बैठो तो उनका ख्याल रखना पड़ता है, खुद तो हम खा ही नहीं पाते। अब हम हर थोड़े दिन बाद इतना एक पार्टी रखा करेंगे। रख लेना रख लेना, इसको तो जाओ अपनी जगह पर रखो। अरे तुम क्यों काम कर रही हो,
कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। नफीसा ये तो मेरे तकल्लुफ में काम करती रहेगी, इसको ले जाए अपने साथ। आप चाहती हैं इसके बहाने मैं भी कुछ ना करूं? अरे इतना नाश्ता तो आपने करवा दिया, और क्या करेंगी? जाए ना इसको ले जाए, हम सब समेट कर वहीं आते हैं, जाए प्लीज। चलो, हमारी सास नहीं चाहती कि हम कमरे में चलते हैं हम। बेचारी नई नवेली दुल्हन काम कर रही है। अरे चाय का पानी रख दिया? हाँ रख दिया है। माचिस कहाँ है? थैंक यू अम्मी। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत चाहते हैं ये तुम्हें, तुम्हें अपनी सर आंखों पे बैठा के रखेंगे बेटा। और तुम उसकी फिक्र मत करना बिल्कुल भी, वो तुम्हारे पास भी भटक नहीं सकता। रहे वो वहाँ पर मनाल के पास और उठाए मनाल उसके नखरे, यही काफ़ी है उसके लिए। वो यहाँ आएगा तो सही है। नहीं बेटा, वो यहाँ आ ही नहीं सकता है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं कुछ भी हो जाए उसे तुम्हारी जिंदगी में दोबारा दाखिल नहीं होने दूंगी। वाह क्या प्लानिंग है, मान गए आप तो मेरी भी उस्ताद हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो और ये बात मेरे मुंह पर करोगे। अरे आपको आपकी बेटी ने बताया नहीं? मैं घटिया ही नहीं शातिर भी, 7 साल से मनाल के साथ हूँ, देख अब तक मेरे इश्क में डूबी हुई। तुम जानते हो कि तुम्हारे ऊपर खुदा की रहमत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी ने तुम्हारे घर को जन्नत बना रखा है, और अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ने की गलती की तो तुम जहन्नुम रसीद हो जाओगे। और अगर इसी जन्नत में रहते हुए उसे जहन्नुम के थपेड़े खिला दूं तो कैसा रहेगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उसे अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। उसे ये बताना पड़ेगा कि जब वो यहाँ होती है तो मैं दुबई में क्या करती हूँ, उसकी प्यारी बहन के साथ मैंने क्या किया, तुम्हारे अब्बा के साथ मैंने क्या किया। तुम्हें याद है ना रामी, तुम्हारे अब्बा जो तुम्हें मुझसे बचाने के लिए मुझ पर कूद पड़े थे, अपने कमज़ोर हाथों से मुझसे लड़ रहे थे, तुम्हें मुझसे छीन रहे थे, छोड़ दो रामीन को, छोड़ दो रामीन को, और तुम भी चिल्ला रही थी मेरे अब्बा को छोड़ दो, मेरे अब्बा को छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया। अरे आप लोग यहाँ हैं? आप क्या नहीं छोड़ेंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैंने फैसला कर लिया, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ हैं। वाह, आपने सोचा था आपको इतना अच्छा दामाद मिलेगा? और मैं? वैसे आंटी बड़ी नाइंसाफी की बात है, अब आपको मुझे भी नुमाया भाई की तरह जाना पड़ेगा। मुश्किल है। चले अंदर चले ना, यही रख दे। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्र है खुदा का कि सारा सामान पहुंच गया। हाँ वाकई ना, सब कुछ आ गया, रखेंगे कहाँ? पंखा क्यों ऑफ किया था आपने? वैसे अम्मी आपको चाहिए था पहले जरा छांट लेती, इतना काट कबाड़ जमा किया हुआ है आपने, पता नहीं तायाबू के कितने पैसे खर्च हो गए होंगे सामान भेजते भेजते। नहीं नहीं कुछ नहीं फेंकना है भाई, मैं यहीं पर देख लूँगी क्या रखना है और क्या फेंकना है। और वैसे भी तुम्हारे ताया ताई ने मुझ पर थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ताया अबू के पैसे थे ना, मामू के होते तो आप अमरीका तक पहुँच जाती है ना। अच्छा छोड़ो, ये देखो आपने अभी तक हमारी गुड़ियाएँ संभाल के रखी हुई हैं। उफ, ऐसी तो अब्बा 2 लाए थे, एक रामीन के लिए दूसरी मेरे लिए। और ये याद है तुम्हें? ये अब्बा मेरे लिए लाए थे। उस महीने की आधी तनख्वाह तुम लोगों के खिलौनों पे खर्च हो गई थी। माँ बाप अपने औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, और बदले में औलाद, औलाद क्या करती है? I'm sorry अम्मी, मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगा कि आपका रवैया नुमैर की तरफ ठीक नहीं है। क्या करूं, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनसे ऊंची आवाज में भी बात करे। मैं
मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वो इंसान है, खुदा नहीं। आप ही तो कहा करती थी कि शोहर मिजाजी खुदा होता है। वैसे ये बात मुझे तुम्हें नहीं बल्कि उसे समझानी चाहिए थी कि मिजाजी खुदा में क्या क्या सफात होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन रामीन को आज़र को अपना मिजाजी खुदा मान लेना चाहिए, तभी खुश रहेंगे। आपने देखा नहीं, मैंने अपने प्यार और खिदमत से कैसे नुमैर को मना लिया। वो तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं तुम्हारे अलावा किस किस के बारे में सोचता होगा। क्या कुछ नहीं, ये आओ जरा देखो, इसमें क्रॉकरी तो नहीं है? अरे टूट तो नहीं गई कहीं? शादाब इधर आओ ना भाई, मिटाओ इसे। आराम से, बहुत भारी। बोलो इसे। वैसे मनाल, रामीन शादी के बाद अब तक घर नहीं आई हमारे, है ना? दावत पे नहीं बुलाया। अच्छा तुम ऐसा करना कि जल्दी से आना और खाना खा के वापस आ जाना, वैसे वो तुम दोनों को रात रोकने की कोशिश करेगा। रात को वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। ना घर खाली हो गया ना अम्मी अब्बा और शिजा के जाने के बाद। जी शुक्र है कि तुम हो। तुम्हारे आने से पहले मैं अकेले पता नहीं कैसे रहती थी। कुछ सोचो, रजी सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और मैं खाली घर में कैसे रहती होंगी। पता नहीं औरतों को क्या शौक होता है अकेले घर में रहने का। मुझे तो हमेशा से जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद है। तुम ये मत समझना कि सारी ज़िंदगी में तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम और आज़र जब चाहो अलग घर लेके रह सकते हो। लेकिन मुझे अलग नहीं होना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों, वो तुम्हारा बाहर जाने का शौक वो ख़त्म हो गया? चुप रहती हो, बिल्कुल बात नहीं करती। कभी अपने दिल की बात भी कह दिया करो। करती तो हूँ। कोई नहीं करती। चलो तुम्हारा डर तो दूर हुआ, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी भी ख़ास तौर से मुझे बोल के गई हैं कि तुम्हें अकेला ना छोड़ूं, तुम्हारा बहुत ख्याल करूं। आज़र कब आएगा? 6 बजे। शुक्र है उसकी जॉब लग गई और उसका दिल लग गया। ये सब तुम्हारी वजह से है रामी, नहीं तो इतना लापरवाह है कि 2 साल हो गए डिग्री मिले हुए, कहीं जॉब ही नहीं ढूंढ रहा था। और अपनी उम्र 2 साल छोटी बताई है उसने, तुम्हें पता है ना? जी उन्होंने बताया था। हाँ मुझे पता है, वो तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। अल्लाह तुम दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखे। लो इतनी देर हो गई, तुम्हारी अम्मी भी आती होंगी और तुम अब तक नहाई भी नहीं। चलो आओ तैयार हो जाओ, आ जाओ। मैं देख लूं कोई है तो नहीं। यहां भी कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है। तुम आ जाओ आराम से नहा लो, मैं यहीं बैठी हुई हूं कपड़े में। मिस्टर तापी, मिस्टर तापी। हाँ मैं यहां हूं। कैसी आप? ठीक ठाक। ये ब्राह्मीन का कुछ सामान है। अच्छा अच्छा। और ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। जब आती हो कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हो। अरे नहीं, ये तो पिंडी से बड़ा खास तोहफा है आपके लिए। अम्मी का सामान आ गया ना? नहीं मुबारक हो, अब आप भी कराची वाली हो गई। नहीं भाई नहीं, हम तो पिंडी वाले ही ठीक है। अरे यहाँ तो देखो हर शे ऐसे लगता है जैसे भागी जा रही है। अम्मी को यही प्रॉब्लम है कराची से। ब्राह्मीन कहाँ है? नहा रही है। Don't tell me, उसने आपको वहाँ चौकीदारी के लिए बिठाया हुआ था। पागल लड़की है, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं मिनाल, अचानक आवाज़ मत देना, बाथरूम में घबरा जाएगी। नया घर है ना, घबरा जाती है। मिस्टर तापी आप बहुत अच्छी हैं, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ख्याल से अंदर जाऊँगी, आपकी भाभी नहीं परेशान होगी। रामीन की शादी के वक्त मैंने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगी थी कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ जाकर खुश रहे। देखो ऐसा लगता है जैसे उसकी खुशियों का अल्लाह ने तुम्हें वसीला बना दिया। मुझे तो रामीन की सूरत में आपने एक साथी दे दिया, वो मुझे भाभी कम और बेटी ज्यादा लगती है। जी चाहता है हर वक्त सीने से लगा कर रखूं। वो तो इतनी प्यारी है और शर्मीली तो इतनी है कि आज़र को भी अपने पास नहीं आने देती। मैं चाय लेकर आती हूँ। माशाल्लाह भाई, कितना चाहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें। तो मेरी भाभी होती ना वो तुम्हें 2 थप्पड़ मार के बाथरूम में बंद कर देती। मैं इनको देखो अभी तक तुम्हारी लाड उठा रही है।
अच्छा हुआ जो तुम इसकी भाभी ना हुई। रामीन जी, आज़र क्या दूसरे कमरे में सोता है? हाँ नहीं नहीं अम्मी, यहीं सोते हैं। मनाल, अल्लाह ने शोहर के हकूक के बारे में क्या कहा है? नहीं, अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ कहा है, और ख़ास तौर पर ऐसा शोहर जो बहुत चाहता हो, बहुत प्यार करता हो तुमसे और सारे फ़राइज़ पूरे करता हो, उसके बारे में क्या फरमाया? फिर तो उसके पैर धो धो के पीने चाहिए, उसका एक इशारा ना हो कि बीवी हाजिर। तुमने देखा नहीं है मैं किस तरह रहती हूँ नुमैर के साथ? ठीक कहा तुमने, अगर इतना चाहने वाला शोहर हो तो लड़की को सब कुछ भूल जाना चाहिए, बल्कि अपने माँ बाप बहन भाई सबको फरामोश करके अपने शोहर पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अम्मी आप कितनी भारी बातें कर रही हैं, मैं तो इसके लिए इसकी गुड़िया लाई थी। वो दिन गए जब ये गुड़ियों से खेलती थी, इसने नई जिंदगी की शुरुआत करनी है बस। ये आप लोग कमाल करते हैं, आप समझते हैं हम लड़कियां नहीं कंप्यूटर्स हैं कि डिलीट का बटन हिट किया और सारी मेमोरी गायब, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, बाहर आ जाओ, नुसर चाय बनाने गई है, आ जाओ बाहर जल्दी। कमाल है, अच्छे खासे मूड में आई थी, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। चलिए अम्मी देर हो रही है, नुमैर के घर आने का वक्त भी हो रहा है। अरे मनाल, आज़र को आने दो, उससे मिलने के बाद जाएंगे। मियाँ आपने सुना था उसने क्या कहा है? 7-8 बज जाएंगे उसे तो। बेटा तुमने कहा है ना उससे कि हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं? जी बोल दिया था। मैं देखूँ इस वक्त ड्रामा कौन सा आ रहा है। अम्मी तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं उठा लूँगी। यहाँ पर शर्मिंदा कर देती है, अब उनके शौहर के घर आने का वक्त भी हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं आज़र से मिलने के बाद ही जाऊंगी। अम्मी का मूड तो खतरनाक लग रहा है भाई, तुम्हारे मियाँ की तो शामत नहीं आज। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, खुश रहो। रामीन बैग भी आज़र से रख कर आओ। थैंक यू। अरे बेटा तुम्हें ऑफिस से आने से इतनी देर हो जाती है, कुछ ख्याल करो मेरी बेटी का, उसका दिल कैसे लगता होगा तुम्हारे बगैर। हाँ मैं खुद यही कहती हूँ, लेकिन इसका बस चले तो ये बोरिया बिस्तर ऑफिस में बिछा ले। ठीक कह रही हो तो। हाजिर बेटा, मेरी रामीन बहुत अच्छी है, वो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं मांगेगी तुमसे, बस उसे तुम उसका हक दो। तुम उसे प्यार करोगे ना बेटा, वो सारी ज़िंदगी तुम्हारी होकर रहेगी। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है कितना प्यार करता हूँ मैं उससे, उसको फूलों की तरह रखता हूँ। फूलों की तरह से रखोगे तो मुरझा जाएगी, और अगर बीवी बनाकर रखोगे, अपनायत से रखोगे, प्यार मोहब्बत से रखोगे बेटा तो वो निखरती चली जाएगी। क्यों नुसरत, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा बेटा अब हमें इजाज़त दो, तुम्हारे मियाँ आते ही होंगे और इनके मियाँ भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। बेटा खुश रहो, अपने मियां का ख्याल रखो। अच्छा बेटा ये तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी? पता नहीं। वाह इतनी देर से बातें कर रहे थे और पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही थी। मुझसे थोड़ी आपसे कह रही थी। तो बाबा वही पूछ रहा हूँ, क्या कह रही थी? आज़र चाय गिर जाएगी। तुम्हें इसकी फिक्र है, मेरी नहीं। आपकी फिक्र है, यही काफी है। वैसे वाकई नहीं पता या बन रही हो? नहीं पता।
रामीन क्या ऑर्डर कर रही हो? आप बताएं। भाभी के ऑर्डर का ट्राई किया? इट्स रियली नाइस। मैं भाभी के ऑर्डर करूंगा। उन्होंने डिसाइड किया? अरे नुमैर भाई, नुमैर भाई, अरे सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम लोग यहीं खाना खाने आए हो? जी हम लोग यहीं पे आए हुए थे डिनर के लिए। आप लोग हमें ज्वाइन क्यों कर लेते? हाँ श्योर। रामीन कहाँ है? ओ कोइंसिडेंस, देखो कैसी हो। बिल्कुल ठीक। अच्छी लग रही हो। बस मैं अभी ऑर्डर करने वाला था। बाबी की ऑर्डर कटा है, इट्स रियली नाइस। वो यहाँ बहुत अच्छा होता है, आप भी वही लेंगे? लेट्स सी। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी, दो मेन्यू कार्ड्स आ देंगे प्लीज। अच्छा ये तो बताओ, उस दिन कहाँ गए थे तुम लोग? उस दिन हम लोग स्केटिंग पे गए थे, स्केटिंग पे गए थे बाबी। और कल रात को हम लोगों ने एक हॉरर मूवी देखी। इसका डर के मारे जो हाल था मैं आपको बता नहीं सकता। कितना मजा आया होगा। बहुत मजा आया। आपने तो मुझे बाहर ले जाना ही छोड़ दिया है। कुछ सीखे इससे कि बेगम का ख्याल कैसे रखा जाता है। हाँ सीख रहा हूँ कि इसकी बेगम का ख्याल कैसे रखे। इसकी बेगम का नहीं, अपनी बेगम का ख्याल रखना सीखे। अच्छा और कहाँ कहाँ गए तुम? भाभी कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ बैठते हैं वो जगह खूबसूरत हो जाती है। हाउ रोमांटिक। जब भी मैं कहूँ रामीन इतनी प्यारी क्यों लग रही है? सब वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि रामीन इतनी प्यारी होगी। ये सिर्फ आपकी नजर का कसूर है, वरना ये बंदी किस काबिल? इतनी बुरी बात है? तुम दोनों भाई ना बिल्कुल एक जैसी बातें करते हो, कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में। क्यों सही कह रही है रामीन, मुझ में और आजर में वाकई कोई फर्क नहीं। आजर? अच्छा मैं था, मैंने पैर मारा। कमाल, पैर वो मारा है तुम्हें और डर तुम्हें नुमैर से लग रहा है। कमाल करती हो। Are we ready for the order? I know what I want. I'm the usual. Excuse me. Naila सो गई अम्मी? हाँ बेटा सो गई। Thank you अम्मी। तो आपके आने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अभी तो और भी अच्छा होगा। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल रात हमें कौन मिला है? कौन? आज़र और रामीन मिले थे। अम्मी सच बताऊं, दोनों इतने अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे माशाल्लाह, उफ मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारी हो गई रामीन। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, अम्मी इतनी प्यारी लग रही थी, उसके गाल जो है ना लाल लाल से हो गए। यहाँ तो इतनी डरी सहमी रहती थी, मुझे तो फिक्र है कहीं मोटी ना हो जाए। अल्लाह मेरी बच्ची को नसे बस से बचाए। आमीन। वैसे मनाल रामीन शादी के बाद अब तक घर नहीं आई हमारे, है ना? हाँ मैंने तो उसे दावत पे नहीं बुलाया। क्यों? अम्मी कह रही थी कोई जरूरत नहीं है, क्या तकल्लुफ करोगी, आपस की तो बात है। ये तो तकल्लुफ करेंगे, लेकिन तुम्हें तो अपने शौहर की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। क्या कहेंगे नुसरत, अभी शादी के बाद बहन को एक बार भी घर दावत पे नहीं मिला। सही कह रहे हैं आप, मुझे पता नहीं क्यों ख्याल ही नहीं आया, इतनी पागल हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा तुम बिल्कुल पागल नहीं हो, मैंने बात की थी नुसरत से, वो कह रही थी कि बिशारत और रजिया आ जाए ना तो इकट्ठे दावत कर लेंगे। वो जब आएंगे उनकी दावत तब हो जाएगी, फिलहाल तुम उन्हें इस वीकेंड पर इन्वाइट करो। मुझे बात करने तो पहले। क्या बात करेंगे आप उससे? आप जो कहेंगे उसे मानना पड़ेगा। आपके कहने पर उसने मेरी फैमिली में शादी कर ली, आपके कहने पर दावत पर भी आ जाएगी। अच्छा है आज़र से कहूँगा रात यहीं रुक जाओ, मजा आएगा। गुड आइडिया। मम्मी प्लीज नहीं, मैं मर जाऊंगी, मुझे उसके घर नहीं जाना। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन वो तो एक लफ्ज नहीं बोल सकती अपने मियाँ के हुक्म के सामने। अम्मी मैं कहीं और चली जाती हूँ, आप कह दें कि मेरा कहीं और से इनविटेशन आया है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अम्मी फिर मैं आज़र से बात करती हूँ,
सब कुछ बता देती हूँ आज़र को। खबरदार जो तुमने ऐसा किया तो, ये जो सब इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं ना, ये सब कुछ एक मिनट में खत्म हो जाएगा। मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज़र मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि क़यामत भी आ जाए तभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे वो। क़यामत? इससे बड़ी और क्या क़यामत हो सकती है? बेटा मर्द कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपनी बीवी को अपनी मिल्कियत समझता है। वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा कि उसकी बीवी के ऊपर किसी और का साया हो, और तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे उसे जरा सा भी शक हो। अम्मी आज़र मेरी शक्ल देख के समझ जाएंगे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता कि हम औरतों और मर्दों का खाना अलग अलग रखते? मैं तो यही चाहती थी बेटा, लेकिन उस बेशरम ने मेरी बात को रद्द कर दिया। अच्छा तुम ऐसा करना कि जल्दी से आना और खाना खा के वापस आ जाना, वैसे वो तुम दोनों को रात रोकने की कोशिश करेगा। रात को? हाँ बेटा, उसने शादी से पहले तुम दोनों को जो देख लिया था एक साथ। नहीं अम्मी नहीं। क्या अम्मी नहीं अम्मी, तुमने कोई चाय वाय भी पूछी है? बस बैठ के बातें ही करने का इरादा है। आंटी आप आ जाए मेरे साथ, आपकी बेटी तो आपको कुछ नहीं पूछेगी। इंतजार करें आप चाय पे। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या मजे का खिला रही है मुझे बना के? जो तुम कहो बेटा वो बना दूंगी। डिनर मनाल भाभी संभाल लेंगे, आप बस हम चारों के लिए कुछ मजे का रात के लिए बना लें, हम चारों का जागने का इरादा है। बेटा मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोगों को नुसरत और रजी को अकेला छोड़ना चाहिए। नहीं नहीं आप ही बिल्कुल माइंड नहीं करती हैं, बल्कि वो तो चाहती हैं हम लोग कहीं बाहर जाएं। तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कहती होगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उन दोनों को। तो फिर हम लोग एक काम करते ना, आप ही को अपने साथ ही ले आएंगे। ठीक है अब डन डील, चले अब आ जाए मेरे साथ, आपको चाय पिला। रामीन इधर से सही कर रही हूँ तो उधर से खराब हो रहा है। आप ही, मैं शलवार कमीज ही पहन लेती हूँ। नहीं तुम्हारी आप ही की फरमाइश है। क्या फरमाइश है भाई? अच्छी लग रही है ना रामीन? हाँ बस ठीक है, आप ही आप वाली बात नहीं आई है। बस रहने ही दो, तुम्हारी तो पसंद ही बेकार है। अच्छी लग रही है रामीन। कहाँ से प्यारी लग रही है, मेकअप की वजह से आंखें टेढ़ी हो गई हैं इसकी। और इतना मेकअप लगाने को किसने बोला था? आज़र तुम अपने कमरे में जाओ, बस बहुत हो गया। और ये तुमने आंचल को किस तरह लिया हुआ है चादर की तरह? इसको ऐसे करो, इस तरह लो, ये देखो। नहीं आप ही, वैसे ही ठीक था। नहीं मेरी बात मानो, इसको देखो मिरर में कितना अच्छा लग रहा है इस तरह। आप ही से है ऐसे ज्यादा बेहतर। अच्छा बाबा ये ऐसे ही सही है, तुम्हारा बस चले ना तो इसको कहीं छुपा के कमरे में बंद कर लो ताकि कोई देख ही ना पाए। मैं जरा रजी को देखती हूँ। आज़र हम लोग नहीं जाते वहां पर, आप आपी को मना करते। तुम तो अपनी आपी को मना कर सकते हो, मैं तो नुमैर भाई को मना नहीं कर सकता ना। हमें जाना होगा। बस चुप रहती है मेरी ही तरह। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम, बड़ी हो गई हो। तुम्हारा मियाँ वहां बैठा हुआ है, उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। वो वहां मजे से बातें कर रहा है, हम यहाँ मजे से बातें कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। गाड़ियां रखकर आती हूँ मैं जरा। आपसे तो 2 मिनट नहीं बैठा जाता। बैठे जाऊं कहां।